अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं उनको उनके आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है। आप अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हल कर रहे हैं मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, ग्रेजुएशन में या कहीं भी हैं, तो अगर आपके पास ये टेम्पलेट होगी तो आप कम से कम आंसर तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें एक्स वाई ए बी और सी की वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है। ए बी जो होते हैं वो दो हमारे वेरिएबल होते हैं और जो सी होता है वो सिंपल हमारी वैल्यू होती है, जिसे हम डिजिट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको हल करेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू आएगा, पैरेंथेसिस स्टार्ट करूँगा मैं, नेगेटिव का साइन आएगा, सबसे पहले आ जाएगा बी, उसके बाद आएगा प्लस एस क्यू आर टी पैरेंथेसिस स्टार्ट बी, ठीक है, और बी की पावर टू माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय सी डबल पैरेंथेसिस क्लोज डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय ए, और सॉरी ए का रेफरेंस देना, मैंने ए का रेफरेंस है ये वाला। जब मैंने इसको यहाँ पे इंटर किया तो ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। माइनस टू जवाब आ गया एक्स वन का, ठीक है। दो वैल्यूज आती है हमारे पास, एक एक्स वन और एक एक्स टू। एक्स की वैल्यू आती है और वाई की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू होती है, और एक वैल्यू हमारी इस तरह से इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू होगी, जो मेरा पहला फॉर्मूला होगा, उसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं उसको करूँगा यहाँ पे पेस्ट, और जो एस क्यू आर टी से पहले यहाँ पे प्लस का साइन था उसको मैं माइनस में कन्वर्ट कर दूँगा, और इसको मैं कर दूँगा इंटर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हल करना चाह रहे हैं, तो आप उसको एक शीट बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को करते हुए साथ में उनको चेक कर सकते हैं कि क्या आपके क्वेश्चंस आप सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं अपने आंसर्स का, और यहाँ पे आप वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक बार जब फॉर्मूला लग जाएगा तो उसके बाद आप उसकी वैल्यूज़ को जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे वन कर लेता हूँ, यहाँ पे टू करता हूँ, इसको यहाँ पे वन करता हूँ, तो उसके बाद आप देखेंगे माइनस वन और माइनस वन इसका आंसर आ गया। तो आप इसको इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसके आंसर यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको यही बताना था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है, फिर शुक्रिया।